हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक अच्छी खबर है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा नोटिस वायरल हो रहा था कि जो पोस्ट हैं वो सरेंडर की जा रही हैं, आधी की जा रही हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था खबरें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का ट्वीट है, ऑफिशियल अकाउंट है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन रेलवेज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर एनी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जो पोस्ट ट्रेन मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हैं सेफ्टी कैटेगरी की, उन्हें नहीं हटाया जा रहा है, नहीं सरेंडर किया जा रहा है। रिव्यू इज़ बीन डन ओनली फॉर नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंट पोस्ट सो दैट एडिशनल सेफ्टी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर न्यू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बींग डेवलप्ड। तो ये तो निश्चित सी बात है, सेफ्टी कैटेगरी में जो भी पद आते हैं, जैसे कि लोको पायलट है, गार्ड है, इन सब की वैकेंसीज़ आती रहेंगी आगे भी, लेकिन नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उन्हें ये मना कर रहे हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये लिखी हुई है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ऑल ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट ड्राइव्स फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट विल बी कंटिन्यू एज यूजुअल। जैसे वो चल रही थी एज इट इज़ चलती रहेंगी, मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम पर इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। बाकी रियलिटी क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या चीज़ है, आप लोग क्या सोचते हो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने अभी अभी 3 घंटे पहले इस चीज़ को क्लियर किया है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रोसेस चल रहा है वो एज़ इट इज़ चलता रहेगा, मतलब ग्रुप डी और एनटीपीसी पे कोई इफेक्ट नहीं। बाकी सेफ्टी कैटेगरी मतलब एएलपी और गार्ड वगैरह के जो पद हैं जो सेफ्टी कैटेगरी के अंडर में आते हैं वो आते रहेंगे एज इट इज़, लेकिन नॉन सेफ्टी कैटेगरी पर 2 साल के लिए आप लोगों को पता है वो सरेंडर किए जा रहे हैं, तो वो किए जाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर वीडियो की क्वालिटी ख़राब होती है तो फिर बताते हैं क्या करना है।